नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं एचपीजीएस जोन में। मित्रों, हम ज्योग्राफी की आज क्लास नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में जो टॉपिक है वो है आपका पृथ्वी की गतियां और दूसरा है अपसौर और उपसौर। आज इन टॉपिकों पर चर्चा करते हैं, ठीक है मित्रों? तो ज्यादा बातें न करते हुए टॉपिक पर चलेंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले देखो मित्रों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी आकाशीय पिंड हो लगभग दो गतियां करता है, ठीक है? नहीं, यहाँ पे पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी भी दो गतियां करती है। पृथ्वी की गतियां कितनी हो गई भैया? दो गतियां हो गई। उनमें से एक हम कहेंगे परिक्रमण और दूसरी क्या है? तो दूसरी है परिभ्रमण। इसके अलावा इनके और भी नाम हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग। परिक्रमण को हम लोग कहते हैं वार्षिक गति और इसको कहते हैं हम लोग दैनिक गति, ठीक है मित्रों? वार्षिक गति और दैनिक गति इन नामों से भी इनको जाना जाता है। ये है क्या, कितना समय लगता है, वो सारी बातें हम और इसमें जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परिक्रमण, वैसे मैंने बता दिया था जब ग्रह पढ़ाए थे तो थोड़ा सा बता दिया था, आज हम डिटेल से देखते हैं इसको। तो परिक्रमण का मतलब है, ऐसे समझिएगा जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमना। ये वाली जो पृथ्वी गति करती है, इस गति को क्या कहते हैं भैया? इस गति को कहते हैं परिक्रमण गति। बात क्लियर हो गई? अगर यहां पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है उस गति को हम लोग क्या कह देते हैं? तो उस गति को हम लोग कह देते हैं परिक्रमण, या परिक्रमा करना, चारों ओर घूमना, ठीक है? अच्छा, अब देखो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी ये गति क्या है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है तो उसकी गति क्या है, ठीक है? तो ये इसकी जो वास्तविक गति है वो है आपकी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पर इसको या करके आप कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से घूमते हुए जो पूरा चक्कर करती है इसका, वो कितने समय में करती है? तो मित्रों वो इसको मतलब वार्षिक हम ये कहेंगे कि एक वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है? नहीं, और सही मायने में जो वास्तविक इसका मान है वो रह होता है आपका 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इतने समय में क्या करती है पृथ्वी? सूर्य का पूरा चक्कर कर लेती है। और एक और बात कि इस गति से होता क्या है, तो मित्रों इस गति से, परिक्रमण गति से क्या होता है? तो इससे होता है आपका ऋतु परिवर्तन। क्या होता है इससे? इससे ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन का मतलब है कि मौसम बदलते रहते हैं और जब मौसम बदलता है इस पे, ठीक है ना? तो अब देखिए, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है ना, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसका जो पथ है वो परवलयाकार कह सकते हैं इसको, या अंडाकार पथ पर घूमती है, जिसमें वो कभी सूर्य के पास पहुंचती है कभी सूर्य से दूर हट जाती है। तो इस हिसाब से सर्दी गर्मी बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि परिक्रमण गति से क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति की गति क्या है इसकी, तो ये है, और कितने समय लगता है इसको, तो ये वाला समय लगता है मित्रों। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगला देख लेते हैं, इसमें परिभ्रमण और देख लेते हैं मित्रों। परिभ्रमण क्या है? तो देखो, परिभ्रमण को दैनिक गति भी कहा जाता है मित्रों, और हम ये कहेंगे कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। क्या? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, मतलब पृथ्वी, आप लोग जानते हैं अगर ये पृथ्वी है तो मित्रों पृथ्वी का जो झुकाव है सभी जानते हैं कितना है। अगर हम देखें तो ये वाला जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव इस तरफ है, ठीक है ना? तो ये हमारा वास्तव में होता है उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला ये वाला होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, जबकि हम लोग पढ़ने के लिए यहां से डिवाइड कर देते हैं। सही मायने में उसका झुकाव ये है, ठीक है मित्रों? तो ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। अब आप लोग एक चीज देखिए कि
पृथ्वी जब घूमती है तो ये ध्रुव हैं, ठीक है नहीं? तो ध्रुवों, ध्रुव तो यही रहते हैं स्थिर, और ध्रुवों पे ऐसे कहते हैं ना कि अपनी धुरी पर घूम रही है या अपने अक्ष पर घूम रही है, तो इस तरह से घूमती रहती है, ठीक है नहीं? ये इसकी वास्तविक धुरी है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये इसकी वास्तविक धुरी है, और ये अपनी धुरी पे ही ऐसे घूमती रहती है। अपनी धुरी पर घूमते हुए ये सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूमती है। बात क्लियर हो गई मित्रों? तो अपनी धुरी पर घूमना ही परिभ्रमण है, और ये जो अपनी धुरी पर घूम रही है इसकी गति क्या है? तो देखो मित्रों, इसकी जो गति है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी धुरी पर घूमती है, और इस तरह से घूमते हुए ये एक दिन में चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि इसको जो वास्तविक समय लगता है वो कितना है? तो इसका जो वास्तविक समय रहता है ना, वो है आपका 23 घंटे, वो है मित्रों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये इतने समय में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है मित्रों? और इस गति से होता क्या है? तो इसकी इस गति से ही होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात, क्या होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति बनती है, इसीलिए इसको दैनिक गति कह दिया जाता है। दिन रात होने के कारण ही मित्रों इसको दैनिक गति कह दिया जाता है। तो क्या कह दिया जाता है मित्रों इसको? इसको कह दिया जाता है दैनिक गति, ठीक है? अगला देखिए, अगले जो हम बात करते हैं, दो चीजें और, दो शब्द और इससे जुड़े हुए हैं, उनको देखिए। तो पहले इसको हटा देता हूं, तब देखते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो एक इसमें आता है आपका नक्षत्र, है ना? और एक नक्षत्र दिवस और सौर दिवस, दो शब्द हैं। तो देखो, एक होता है आपका नक्षत्र दिवस और एक होता है आपका सौर दिवस। इन दोनों में क्या अंतर है वो भी यही समझिए। तो देखो मित्रों, नक्षत्र दिवस का मतलब है, मैंने आपको नक्षत्र नहीं बताए हैं तो मैं अभी बता देता हूं आपको। देखो, हमारे जो सौरमंडल में जो नक्षत्र हैं मित्रों, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या दो तरह से है, 27 विज्ञान के अनुसार है और 28 भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार है, ठीक है नहीं? और 27 और 28 में जो अंतर उत्पन्न करता है वो नक्षत्र है अभिजीत। क्या नाम है उसका? तो मित्रों, उस नक्षत्र का नाम अभिजीत है। तो 27 और 28 में जो अंतर उत्पन्न कर रहा है वो कौन सा है? अभिजीत है, रोहिणी है, ठीक है नहीं? ऐसे कई एक नक्षत्र हैं, मैंने आपको संख्या बता दी है। कुल 27 विज्ञान मानता है और ऋषि मुनि 28 मानते हैं, ठीक है मित्रों? तो जो हमारी पृथ्वी है वो इन्हीं नक्षत्रों से गुजरती है जब चक्रण करती है सूर्य का, तब तो हम ये कहेंगे कि वो जब पृथ्वी गुजर रही होती है तो एक ही नक्षत्र के, ठीक है नहीं, एक ही नक्षत्र पर वो दो बार दोबारा जब लौट कर आती है उसमें लगा समय कितना होता है? मतलब सूर्य के चारों ओर तो घूम ही रही है, उसके अलावा एक ही नक्षत्र पर फिर से पहुंचे तो उस समय को कहा जाता है नक्षत्र दिवस। और वास्तविक जो मैंने अभी आपको बताया था 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ये जो समय है मित्रों, ये नक्षत्र दिवस का ही समय है। बात क्लियर हो गई? जबकि सूर्य सौर दिवस का समय कितना माना जाता है? तो सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी घूमती है उसका सही समय माना जाता है 24 घंटे। बात क्लियर हो गई आपको? तो याद रखना, नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जबकि सौर दिवस हमारा 24 घंटे का ही होता है मित्रों। बात क्लियर हो गई? तो ये थी मित्रों पृथ्वी की गतियां, ठीक है? अब देखो, इन गतियों के अलावा दो पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, एक उपसौर और एक अपसौर। अब हम जो बात करने वाले हैं मित्रों, अपसौर और उपसौर की बात करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, अपसौर उपसौर होता क्या है? तो हम कहेंगे कि मैंने ये जो पथ बनाया है आप लोग देख पा रहे हैं, इसे आप
परवलयाकार, इसको आप कह सकते हैं परवलयाकार है ये पथ, या आप कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार भी इसको कह दिया जाता है, दीर्घ वृत्ताकार कह देते हैं या इसको अंडाकार भी कह देते हैं। तो कई एक बार ये एग्जाम में अलग अलग तरह से आ जाता है, तो आपको याद रखना है, ये पथ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सूर्य बीच में अगर हम स्थिर मानते हैं सूर्य को और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, तो कंडीशंस कैसे कैसे बनते हैं देखिए, आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। एक ये मैंने दूरी बनाई है जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य है, और एक ये दूरी बनाई है जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य है। आप देख पा रहे हैं दोनों दूरियों को देखें मित्रों, तो ये दूरी कम है और ये दूरी कम है। कितनी है ये दूरी? तो कम से कम पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी होती है वो रहती है मित्रों 14.70 करोड़। बात क्लियर हो गई? 14.70 करोड़, हम कहेंगे 14,70,00,000 किलोमीटर, ये न्यूनतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। बात क्लियर है? और देखो मित्रों, ये वाली जो अधिकतम दूरी है ये कितनी है? तो ये है आपकी 15.21 करोड़, हम इसको कहेंगे 15,21,00,000 किलोमीटर। ये वाली जो दूरी है मित्रों, ये दूरी है आपकी अधिकतम वाली, ठीक है। और मैंने आपको औसतन दूरी बता ही दी है, जब ग्रह पढ़ाए थे मैंने तो मैंने कहा था कि सूर्य से पृथ्वी या पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी, इन दोनों के मध्य में दूरी कितनी है, तो औसतन है 14.98 करोड़ किलोमीटर। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को जोड़कर अगर हम दो से भाग दे दें तो लगभग इतना ही आएगा। बात क्लियर? इसलिए ये औसतन है। तो यहां पे अब वापस आइए तो देखिएगा, और मैंने कहा जो अधिकतर दूरी अधिकतम हो जाती है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है, ठीक है ना, और कितनी होती है, तो कितनी होती है मैंने आपको बता दिया। और ऐसा कब होता है? तो ये घटना मित्रों होती है आपकी 4 जुलाई को। ये घटना कब होती है? प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को ये घटना होती है। बात क्लियर हो गई है आपकी? अगला देखिए, अब वो पूछेगा कि न्यूनतम दूरी कब होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है मित्रों 3 जनवरी, 3 जनवरी को ऐसा होता है। बात क्लियर है? और देखो जो ये वाली घटना है, ये वाली जो घटना है इसी को कह देते हैं अपसौर। क्या कह देते हैं मित्रों? अपसौर। और इस घटना को कह देते हैं उपसौर। देखिए, याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं इसमें। अप मींस होता है ऊपर, ऊपर है जो हमसे ऊपर है, तो कह सकते हैं कि बड़ा है, ठीक है नहीं, तो बड़ा आप लोग देख पा रहे हैं अपमींस। और उपमींस होता है छोटा, जैसे प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य होता है कि नहीं होता, तो ऐसे ही उपमींस छोटा है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ छोटा उपमींस, छोटी तारीख है 3, अरे इससे छोटी है कि नहीं छोटी, तो छोटी तारीख, जुलाई का महीना 7वें नंबर पे आता है, जनवरी पहला, तो छोटा महीना और छोटी दूरी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कम दूरी है, कम तारीख है, कम वाला महीना है, और वो कम ही है, अपसौर कहलाएगा, ठीक है, वो सॉरी उपसौर कहलाएगा। बात क्लियर है मित्रों? इसको देखिए, अपमींस मैंने कहा बड़ा या ऊंचा, और बड़ा तारीख है इसकी अपेक्षा, बड़ा महीना है और ज्यादा दूरी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो मित्रों इसको हम कहेंगे अपसौर, ठीक है। एक और डाउट इसमें अक्सर बनता है जब पढ़ा रहे होते हैं दो बच्चों को, कि सर एक बात बताइए, जब वो पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, और 3 जनवरी को जो होती है वो हमारे यहाँ क्या होती है, काफी भीषण ठंड होती है, ठीक है नहीं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव वाले लोग हैं, इसीलिए क्या होता है, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये स्थिति है हमारे रहने की, ठीक है। तो जुलाई में गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि नॉर्थ पोल इस तरफ होता है और हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। और 3 जनवरी को हमारे यहाँ सर्दी इसलिए होती है क्योंकि सूर्य केवल दक्षिणी ध्रुव पर लंबा चमक रहा होता है, आधे में ही तो लंबा चमकेगा, तो और हम लोग यहाँ होते हैं तो इसलिए उस पर ठंड होती है, ठीक है।
इससे ये कभी कभी डाउट रहता है बच्चों का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है मित्रों, क्लियर हो गया आपका अपस्वर और उपस्वर। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे, वो है दिन रात का छोटा बड़ा होना। तो आप लोग जानते हैं साहब कि दिन रात अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं, तो किस तरह से जो दिन रात है वो छोटा बड़ा होता है उसको भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दिन रात का छोटा बड़ा होना, देखें मित्रों मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं, आप इसको ऐसे देखिएगा। देखें अब हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर मैंने बताया एक ध्रुव ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, एक नीचे की तरफ है इसको बोल देते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। और देखो मित्रों ये जो रेखा है बिल्कुल बीचों बीच से पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड करती है, इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य, इसको भूमध्य रेखा कहें या कहें इसको मित्रों विषुवत, विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा है ये, ठीक है। इसके अलावा देखो एक रेखा यहां पे काटती है और ये इसको हम वो लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसको हमने नाम दे दिया है कर्क रेखा। एक रेखा है मित्रों 23.5 दक्षिणी वाली, 23.5 दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। मित्रों बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, तो दिन रात की स्थितियां मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। आप अगर इसको पृथ्वी, ये पृथ्वी है और हम माने कि यहाँ पर प्रकाश डाला जाए सूर्य का, तो सूर्य का प्रकाश कैसे आवागमन करता है, कैसे पृथ्वी पर अपनी स्थितियां बदलता है, वो बात मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो, अब देखिए इधर से अगर नीचे को जाएंगे तो कहेंगे दक्षिणायन, अरे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाना क्या कहलाता है, दक्षिणायन कहलाता है मित्रों, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव की ओर जाना क्या कहलाएगा, तो इधर कहलाता है आपका उत्तरायन। बात क्लियर है, ये हो गया आपका ऊपर की ओर जाना और ये हो गया नीचे की ओर जाना, ठीक है। ध्यान देंगे सभी, देखे मित्रों अगर सूर्य का प्रकाश हम मानते हैं कि कर्क रेखा पर लंबत कब होता है सूर्य, तो वो होता है आपका एक तिथि है 21 जून, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबत होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, ठीक है भैया। इसके बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू होता है और फिर इस रेखा पर पहुंचता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर कब पहुंचता है, तो वो डेट होती है आपकी 23 सितंबर। 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति कैसी हो जाती है, तो बिल्कुल बराबर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहां चमकेगा तो पूरा सब पर दिन रात बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आता है और इस पर चमकता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य आपका मकर रेखा पर लंबत होता है और इस दिन अगर हम बात करते हैं तो पूरा दक्षिणी गोलार्ध के दिन बड़े और रातें छोटी होती है, ठीक है मित्रों। और देखो दोनों गोलार्ध एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, जैसे देखो मैंने कहा कि 21 जून को हमारा दिन बड़ा होता है, ठीक है, और रातें छोटी होती हैं, तो इनकी रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं दक्षिणी गोलार्ध वालों के। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, अब फिर से क्या करता है सूर्य, अभी इस यहाँ पे था 22 दिसंबर को, फिर से अपनी स्थिति बदलता है, फिर से ऊपर की ओर चलना शुरू होता है, ठीक है। और एक तारीख फिर से आ जाती है जब ये यहाँ पे फिर से इस रेखा पर लंबा चमकता है मित्रों, और वो तारीख कौन सी होती है, तो वो तारीख होती है आपकी 21 मार्च। 21 मार्च को फिर से संपूर्ण पृथ्वी पे दिन रात बराबर हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर से वो यही चमकने लगता है लंबत। बात क्लियर हो गई। अब एक बात और समझिए, देखो मित्रों जब भी सूर्य जिस रेखा पर चमकेगा उसको हम लोग संक्रांति बोल देते हैं,
ठीक है ना। जैसे अगर वो कर्क रेखा पर चमका तो कर्क संक्रांति हो गई, ठीक है। नहीं तो आप 21 जून जो बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध वालों का, उसको और क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कर्क संक्रांति भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो कर्क संक्रांति। बात क्लियर है। अगला देखो मित्रों, अब मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो इसको क्या कहेंगे फिर, मकर संक्रांति। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट उत्पन्न हो गया होगा, साहब मकर संक्रांति तो जनवरी में आती है, यहां दिसंबर में कैसे हो गई? तो मित्रों इस बात पर हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप एक बात देख लीजिएगा, यहां चमका तो संक्रांति, यहां चमका तो संक्रांति। अब भूमध्य रेखा पर जब चमक रहा है तो दो तिथियां हैं, इसको आप भूमध्य संक्रांति नहीं कहेंगे, इसको नाम क्या दे दिया गया? तो मित्रों इसको नाम दे दिया गया विषुवत रेखा की वजह से विषुव। क्या नाम दे दिया गया? विषुव। तो एक तो ये हो गया विषुव, और एक मित्रों आपका ये हो गया विषुव। अरे ये दो ही तो विषुव हो गए, तो ये दो हो गए विषुव। अब एक बात आप लोग जानते हैं, एक क्लास में अगर एक ही नाम के दो स्टूडेंट हो तो टीचर क्या करते हैं, या तो उनके पिताजी का नाम साथ लगा देंगे या कहेंगे प्रथम और सेकंड। तो यहां विषुव हो गए दो, एक ये वाला विषुव रहा और एक ये वाला विषुव रहा। तो इन विषुवों को जानने के लिए हमने ऋतु से कनेक्ट कर दिया, सीजन से कनेक्ट कर दिया। जैसे देखो इसको कह दिया 21 मार्च वाले को, इसको हमने कह दिया बसंत विषुव। क्या कह दिया? बसंत, सॉरी बसंत विषुव कह दिया, ठीक है मित्रों, क्योंकि ये बसंत ऋतु में होता है। तो बसंत विषुव पूछा जाए कभी भी, बसंत विषुव कब होता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 21 मार्च को, ठीक है भैया। अगला देखिए, अब ये वाला तो इसको शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, इसीलिए इस विषुव को क्या कह देते हैं मित्रों, इसको कह देते हैं शीत विषुव, जो आपका 23 सितंबर को होता है, ठीक है। तो आपने देख पाया। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी समझें। आपसे पूछेगा कि हमारा सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो आप कहेंगे 21 जून। हमारा सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो हम कहेंगे आपका 22 दिसंबर, ठीक है। वो पूछेगा हमारे यहाँ सबसे बड़ी रात कब होती है, तो जब हमारा दिन छोटा होगा तभी रात बड़ी होगी, तो फिर 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अगला देखिए, अगला कभी आपसे पूछेगा कि दिन रात की स्थिति बराबर कब होती है, तो दो डेट है, एक है आपका 23 सितंबर को और एक है आपका 21 मार्च को, पूरी पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति बराबर होती है, ठीक है मित्रों। अब एक और पॉइंट रह गया जो डाउट वाला है, कई एक बार लोगों को इसमें दिक्कत होती है, वो ये है आपका मकर संक्रांति, ठीक है। तो देखो मित्रों मकर संक्रांति मैं आपको बता देता हूं कि 72 वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है मकर संक्रांति में, 72 वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है। और इस तरह से कभी मकर संक्रांति 22 दिसंबर को ही थी और तब से बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है मित्रों, वो अभी 15 जनवरी उसका सही तारीख है, 15 जनवरी को है, और अगले 72 वर्ष बाद क्या होगा कि वो फिर 16 जनवरी को होगी, ठीक है। नहीं एक और पॉइंट इसमें, कभी कभी कुछ लोग ये भी पूछने लगते हैं साहब कि ये बढ़ती क्यों है, ठीक है। नहीं तो उसका कारण है, ये मैंने आपको बताया टाइम में गड़बड़ है, ठीक है। नहीं अरे आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ लीप वर्ष, अरे पृथ्वी, मैंने अभी बताया था कि जो पृथ्वी गतियां कर रही है उसमें हम लोग कह देते हैं कि पृथ्वी 366 दिन में या 365 सही 1/4 कह देते हैं, तो ये 1/4 का जो लफड़ा है, ठीक है। नहीं वो प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन मना देता है, ठीक है। नहीं और हमारे जो कैलेंडर है हमारा, जिसको हम विक्रम, एक तो विक्रम ही चलता है हमारे यहाँ, एक ग्रेगोरियन चलता है और एक कनिष्क वाला जो चलता है, ठीक है। नहीं तो जो कनिष्क वाला या शक संवत जो है हमारे यहाँ, उसके अनुसार अगर देखें तो आप लोग जानते हैं कि महीने में केवल 29 या 30 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो वहां जाके एक महीना भी बढ़ा देता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें उस वर्ष में केवल 359 या 360 दिन होते हैं शक संवत वाले वर्ष में। तो आप लोग देख पा रहे हैं 5-5 दिन तो यहां से इकट्ठा हो जाता है, 1/4 यहां से इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से
आपने देखा होगा कभी कभी कि अपनी देसी भाषा में लौंद का महीना, ठीक है नहीं, तो वो लौंद का महीना यहीं से निकल के आता है। ठीक है मित्रों, तो ऐसे ही आपका ये मकर संक्रांति है वो उसमें ये टाइमिंग इकट्ठा होता रहता है और 72 वर्ष में वो फिर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रहता है। ठीक है मित्रों, तो इससे बनने वाले जो सामान्य क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने आपको सभी कवर किए इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो पढ़ो पढ़ाओ, लाइक बनाओ, HP GS जॉन।